गाइस पुलिस आ गई है। ये एक दिन में आपने बस खत्म करने आज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है असल मलिक और भाई मामलात कुछ इस तरह के हैं। आज है पसंद है हमने टेंच में ना टेंच में हम पसंद है और इनको शायद आप लोगों ने पहचान लिया मेरे स्वाद वाले ब्लॉग में आए थे ना लास्ट टाइम। काफ़ी टाइम बाद हमारा मीटअप हुआ है और आज काफ़ी ज़रा सा आपको जिस तरह पता है पसंद पाकिस्तान में बैन है तो ज़रा सा रौला भी है। चुके हैं तो मैं आपको अभी गुड्डे दिखाता हूँ, इस कमरे में है ठीक है और काफी बड़े बड़े गुड्डे हैं तो दिखाता हूँ आपको। आशिर भाई जी जी यहाँ पर जो जो गुड्डे पड़े हैं उनके बारे में डिटेल बताया ना और इनकी क्या कास्ट पड़ी है। मेरे बड़े भाई हैं, सही, सारा मैनेजमेंट यही करते हैं हमारे, ठीक हो, ये हमारे ऊपर सपोर्ट है, सही, और ये साथ ही हमारे बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ये गुड्डे बनाए। हाँ ये बहुत नाइस है। चले सही हो गया। और ये सारे बड़े नाम के बैठे हैं, सही हो गया भाई, सही हो। अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये 10 तावा, ठीक है, 10 तावा, 12 तावा, सॉरी, इसको पिंडी की मॉम 50 तावा भी कहती है, ये वो सही। इसके पीछे सही सही इसके पीछे जो है ना ये पतंग है, ये 20 गिट्टी है, लेकिन यहाँ पे लोग इसको 100 गिट्टी भी कहते हैं। इसके पीछे ये देखो, ये देखो ये कितनी प्यारी है, ये भी हम बाहर निकालेंगे। इन तीनों का साइज एक ही है, इन दोनों का साइज एक है, सही है, क्योंकि वो पतंगे हैं, सही, ठीक है। और ये 2.5 तावा, यार ये देखो ये 2.5 तावा, ठीक है, सही, ये मेक करवाते हैं हम, बहुत जबरदस्त है, डोर वाला, ठीक है, सही, ये सारे 2.5 तावा पड़े हैं, सारे 2.5 तावे पड़े हैं, ठीक है। और ये साढ़े 5 गेट है, ये देखो, और सारे गुड्डे यहाँ पर तैयार हुए, यहाँ पे तैयार करते हैं हम लोग, बस शौकीन है ना हमको, जुड़ी है ये मेरे प्यारे प्यारे भाइयों ने ना अपने शौक से बनवाई, अपने एक मिनट रखा जाए, ये जिगरा और जिगर जैसे दोस्त हर टाइम आपके साथ हो, ठीक है, ये वकील है मेरे दोस्त असलाबाद में, ये स्पेशल हमारे पास पसंद मनाने के लिए आते हैं और ये अच्छा सारा करने के लिए आते हैं, ठीक है, सही, तो हम कितने प्यारे लग रहे हैं और आप भी हमारे भाई, माशाल्लाह, ये वैसे सब हमने नाम रखा है बारबेक्यू, अच्छा, ठीक है, सही, बड़ा स्टैंड लगाते हैं, सारा एंजॉय करते हैं पूरा साल, लेकिन आज के दिन मेरे फ्रेंड्स ने कहा है कि बारबेक्यू होगा रात को, अभी फिलहाल हम पसंद एंजॉय करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये सारे दोस्त यार, वो आगे वाली छत भी हमारी अपनी है, साथ वाली भी, ठीक है, वो शेख हासन है उनकी, वो वाली छत है, और बाकी ये क्या कहते हैं उड़ाते हैं जो ये होते हैं केमिकल्स होते हैं या धागे से उड़ाते हैं, मतलब क्या होता है उसको, डोर से डोर, अच्छा डोर, मेन चीज ही डोर है, अच्छा, अगर कोई चीज सही उड़ाने वाली है तो वो डोर है, केमिकल्स तो ये छोटे छोटे गुड़े उड़ते हैं जो बच्चे नहीं उड़ा रहे थे साइड से, वो उड़ते हैं, ठीक है, ठीक है, आप लोग एंजॉय करें पसंद को, मैंने जरा पीछे लगाने, सही हो गया, लव यू ऑल। अच्छे से क्या होता है ये हाथ नहीं कटता, इससे हाथ नहीं कटते, ये है क्या टेप ही है ना, हाँ ये असल में होती मेडिकल में यूज है, लेकिन हम स्पेशलिस्ट आपको पता था। और अभी सीन कुछ इस तरह है कि इन्होंने अपनी पतंग उड़ाई है ये वाली, और अब देखते हैं इनकी पतंग कब काट के नीचे आती है। और यहाँ पर सारे छत, जहाँ ये देखें सात वाला ये छत है, ये छत है, और उसके बाद वो छत देख लें, ये नीचे देख लें, इस तरफ भी मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब जितने भी छत दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं सारे फुल हैं। किसका क्या
होंगे। दो काट दें दो। ओ क्या ही ना। टूट गया क्या अपना क्या? टूट गया मेरा भाई। माशाल्लाह यार ये बहुत प्यारी पतंग है। चेक कर। तो गाइस इसको बाहर ले आए हैं और माशाल्लाह काफी बढ़िया है ये यार। यार ये सारा गुंजल कर सर। तो गाइस अभी रश कम हुआ है अंदर, तो अभी मैं आपको प्रॉपर बता दिए गुड्डे दिखा सकता हूँ। यार बहुत ज़्यादा रश है, छत में भी काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं, जिसकी वजह से वॉइस ओवर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। आप चेक कर लें इस ये इसकी भी जो पतंग है मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था। ये अभी एक और तैयार हो रही है और ये सामने देख लें, और अभी एक बार उड़ाने भी लगे, वो काफ़ी बड़ी पतंग है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी उसको कनी देने जा रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी बड़ी पतंग है, और यहाँ से ये लोग उड़ाएँगे। चेक करें सीन माशाल्लाह। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. कुछ नहीं होता, पीछे हो जाओ यार। गाइस पुलिस आ गई है। आइए नीचे प्लीज। क्या सीन है? डोल्फिन वाले नीचे खड़े हैं। तो गाइस सीन कुछ इस तरह का है कि जो हमारे पास पतंगे और डोरे थी वो हमने अंदर रख दी हैं, और फिलहाल यहाँ पर मेरे ख्याल से नीचे वार्डन वाले कह रहा हूँ, डॉल्फिन वाले और पुलिस वाले नीचे फिर रहे हैं। तो अभी यहाँ से एक बार वो लोग चले जाएँ, फिर सारी चीज़ें निकालते हैं। ओह शिट, ये क्या उड़ते सारी फट गई है वाली, तो इतनी बड़ी पतंग थी ये। अरे तो फिलहाल खाने पीने का सीन है, खाना आ चुका है, खाना खा लें तो फिर आगे देख रहे हैं क्या प्लान है इनका। भाई एक बात बताओ ना, एक जितने भी सारे गुड्डे थे कितने तक के होंगे? ये तकरीबन 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख ये एक दिन में आपने बस खत्म करने हैं? आज एक दिन में हमने फुल एंजॉय करने हैं, ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है इन लड़कों ने की है। अच्छा जिगर भाई है। सही। तो गाइस अभी हम रोटी खा लें, तो उसके बाद ये आप देख लें कमरे में अभी भी इतनी ज़्यादा पतंग पड़ी हैं जो भी हमने उड़ानी है, और ये सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी पतंग ये वाली है, और बहुत हैवी सीन है। और
जब मुझे बाद में पता लगा कि यार तकरीबन 1.5 लाख रुपए की ये सारी पतंगे और डोरे आई हैं, तो मैंने कहा यार क्या शौक है भाई। और आप पता ही पाकिस्तान में बैन भी है और पुलिस चीज़ का भी काफ़ी चक्कर रहता है इस वजह से। तो गाइज इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो अभी ना जो सबसे मेरे फेवरेट जो रहे हैं गुटे, एक तो ये है, मुझे इनके नाम नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक कभी उड़ाए नहीं है, तो एक ये और एक बायर है। तो उसकी मैं कहता हूँ कि ज़रा सा ना अच्छी सी वीडियो होनी चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो आप चेक करें।